Daily Bulletin is presented by Manu Multispeciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government ETI, Darga Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, जहां पर आपको बता दें कि एक फ़्लाइट जो हैदराबाद से कोलालंपुर को फ्लाई कर रही थी उसमें आग लग गई, यानी कि इंजन को लगी है आग और उसी को चलते हुए विद इन 15 मिनट्स जैसे ये चीज़ मालूम पड़ी तो एयरलाइंस ने बहुत ही समझदारी से, पायलट ने बड़ी समझदारी से एमरजेंसी लैंडिंग की है। ये वीडियो आपने देखा होगा कि एक पैसेंजर ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। इसमें करीब 100 पैसेंजर्स थे, मलेशिया को जा रहे थे और नर्व व्रैकिंग सिचुएशन थी। ऑब्वियस बात जब इंजन में आग लग जाती है तो अच्छे अच्छों की हालत बिगड़ जाती है। ऐसे में जो है जो टच डाउन हुआ वापस टेक्निकल इश्यूज को चलते हुए हैदराबाद एयरपोर्ट पर सभी ऑफिशियल्स रेडी हो चुके थे और कोलालंपुर को जो निकल रही थी इस जो फ्लाइट वो टेक ऑफ के बाद वापस इसे एयरपोर्ट पर एमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। आपको बता दें कि ये प्लेन था मलेशियन एयरलाइंस का, ये प्लेन था MH199 जो हैदराबाद से कोलालंपुर को जा रहा था। सभी पैसेंजर सेफ हैं और कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद दूसरी फ्लाइट उन्हें दी गई, उसके बाद वो लोग उस फ्लाइट से फ्लाई हो चुके हैं। नीट के चलते हुए आपको अपडेट बता देंगे, नीट पेपर लीक में एक और बड़ा खुलासा, जहां पर एक स्टूडेंट को आप देख सकते हैं फिजिक्स में उन्होंने लिए हैं 85 लेकिन केमिस्ट्री में सिर्फ 5, कैसे पॉसिबल है ये। अनुराग यादव वो चार लोगों में से जिन्हें अरेस्ट किया गया है पेपर लीक केस में। पुलिस को बताते हुए ये मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट जो कोटा का जो एक इम्पॉर्टेंट जो है मामला है, कोटा काफ़ी फेमस है अपने नीट के एजुकेशन के लिए, ये मैसिव रोज चल रही है नीट पर। इस पर NDTV के भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फॉलोअप कर रहे हैं, कई सारे मीडिया हाउसेस इस न्यूज़ पर फॉलो कर रहे हैं। चार बिहार के स्टूडेंट्स जिनको पेपर का एक्सेस मिला था एग्ज़ाम से पहले, दो लोगों से जो बात की गई तो काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। ये लोग बता रहे हैं कि इन्हें जो है क्वेश्चंस के आंसर्स और क्वेश्चंस एक रात पहले मिल गए थे। उसके अलावा सिकंदर यादि बिंदु और अमित आनंद नीतीश कुमार को भी अरेस्ट किया गया है क्वेश्चन पेपर्स लीक के चलते हुए। बताया जा रहा है कि 30 से 32 लाख रुपये पर स्टूडेंट लिए जा रहे हैं, यानी कि अंदाज़ा लगाइए एक स्टूडेंट से 30-30 लाख रुपए। मेडिकल के एडमिशन की गारंटी, मेडिकल की सीट की गारंटी, यानी कि आपको 70-80 लाख 1 करोड़ भी मेडिकल स्टेटमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। 30 लाख रुपए अगर आप नीट की ही पेपर लीक में डालते हैं तो काम हो जाता है। कैसा दिमाग चल रहा है देखिए लोगों का, बड़ा अफसोस होता है कि इसमें भी सेटिंग होगी तो आप अपने करियर में क्या करेंगे। ऐसे डॉक्टर बन के आप किसका ऑपरेशन करेंगे और कौन आपके पास आएगा। देखिए जो ग्रास रूट लेवल है, पेरेंट्स की जो परवरिश होती है बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ आप लोग इस तरह के शॉर्टकट्स में ना जाएं और अपने बच्चों को केयरफुली देखते रहें। उसके बाद आपको बता दें कि बिग बॉस के तीसरे OTT सेशन में आपकी लिस्ट जो है कंफर्म हो चुकी है, जिसमें काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि वायरल वड़ा पाव गर्ल, जी हाँ वायरल वड़ा पाव गर्ल को भी अब मौका मिल चुका है बिग बॉस में आने का। साथ साथ एंकर दीपक चौरसिया और अरमान मलिक भी इसमें आ चुके हैं, सुल्तान खान, शिवानी कुमार, विशाल पांडे और ऐसे कई सारे लोग हैं जो अब बिग बॉस के ये सेशन 3 में आने वाले हैं। अल मिसा टूर्स एंड ट्रैवल्स मोहरम उमरा पैकेज है जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 15 दिन की उम्र 90,000 रुपीज में, 20 दिन का उम्र 1,02,000 और 28 दिन का उम्र 1,20,000 रुपए। जरूर कॉन्टेक्ट करेगा अब्दुल जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। बड़ी खबर ये भी है कि अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है बेल। जी हाँ, आपको लिक्वर पॉलिसी केस में जिस तरह से उन्हें अरेस्ट किया गया था 4 जून को, रिजल्ट से पहले वो जेल चले गए तिहाड़ जेल, लेकिन अब ED के इस मामले में उन्हें अब बेल दी गई है। कर्नाटक से आपको खबर लाते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि HSRP का जो ये मामला चला है, मैंने आपको बताया HSRP का जो मसला चल रहा है, लोग लगा रहे नहीं हैं, पैसे जमा नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह से ये डेट अब आगे बढ़ चुकी है, 15 सितंबर को ये आगे बढ़ चुकी है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंगा रेड्डी ने यह बात बताई है। उन्होंने बताया कि ये रूल्स जो है मोटरिस्ट फेल हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट को करने के लिए और रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से फिर से डेडलाइन पुश की गई है। 2 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर्ड हुए हैं 1 अप्रैल 2019 के बाद, तो उसमें से सिर्फ हार्डली थोड़े ही लोग ये HSRP प्लेट्स लगाए हैं।
कर्नाटक की अगर हम बात करें तो एक और बात जिसमें बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है पेट्रोल डीजल और प्राइस हाइक पर, और एजिटेशन चल रहे हैं कर्नाटक भर में। कर्नाटक भर में साइकिल जाता जो है करते हुए एक स्टेट वाइड प्रोटेस्ट निकाली गई कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ, जहां पर पेट्रोल के रेट डीजल के रेट्स बढ़ गए हैं। बीजेपी की लीडर स्टेट प्रेसिडेंट बीवाई विजेंद्र और कई सारे लोगों ने इस रैली में शामिल हुई है। मुझे ये समझ नहीं आता, देखिए आम जनता जो है पेट्रोल की डीजल के रेट भर रही है, एक तरफ कभी सामने कांग्रेस होती है अपोजिशन में, एक तरफ जो है आप अपोजिट में बीजेपी आ चुकी है, 10 रुपये ये पार्टी बढ़ाती है, 5 रुपये ये पार्टी बढ़ाती है, और कहीं ना कहीं जो है जनता को ही पैसे भरना होता है। बस एक हाथ से मतलब ये ऐसी बात है कि मैं हमारे जैसा करता हूँ तू रोज जैसा कर, इस तरह की बात चल रही है पॉलिटिक्स में। दिल्ली में हीट वेव चल रही है, मैंने आपको इससे भी पहले कल हज के रिलेटेड भी बताया था कि 192 जो लोग होमलेस लोग हैं, जो बाहर जो घर के बाहर जिनका घर नहीं होता है, जो फकीर हैं, जो बाहर बैठ रहे कर रहे हैं, ऐसे सिर्फ 8 दिन में 192 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि ये बहुत ही बड़ा नंबर है इस पीरियड में। आपको बता दें अनआइडेंटिफाइड बॉडीज जो मिले हैं, बहुत ही अफसोस हो रहा है कि इतने लोगों, यानी देखिए कि चलते फिरते लोग जो है जो देख रहे हैं उन्हें कुछ तो कुछ छाता दें, उन्हें कुछ ढकने दें, कहीं ना कहीं उन्हें जगा दें, बेघर के लोग हैं, लेकिन इतने सारे लोग सिर्फ 8 दिन में मरते हैं धूप की वजह से, ये बड़ा अफसोस है। ये तो सिर्फ दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे कई सारी जगहें हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी हमारे बुलेटिन व्यूवर्स देख रहे हैं आप लोग प्लीज़, गुलबर्गा में तो मौसम ठंडा हो चुका है लेकिन फिर भी जितने भी जो होमलेस लोग हैं बाहर, उन्हें बारिश अगर आ रही है तो उनको छाता दें या पैकेट दें, कुछ ब्लैंकेट दें, या धूप में है तो उन्हें कुछ छावनी का कुछ एडजस्टमेंट करें, थोड़ा जो है हम एक दूसरे को हेल्प करें तो ये ज़रूर जो है मामला हट सकता है। गुलबर्गा से आपको बात करें तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अपील की है स्टेट गवर्नमेंट से कि इंदिरा गांधी को रिवाइव करने की बात चल रही थी लेकिन अभी तक वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। WPI के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एम ए खदीर और स्टेट सेक्रेटरी मुबीन अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बात बताया कि कांग्रेस ने असेंबली इलेक्शंस में लास्ट में कैंपेन की थी कि कांग्रेस पार्टी कैंटीन्स को वापस लाएगी, लेकिन इंदिरा कैंटीन्स जो है अब तक चालू और नहीं हुए। कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, जहां पर पुअर और मार्जिनलाइज्ड लोगों को सब्सिडी रेट में खाना दिया जा रहा है स्टेट भर में। इस सिद्धरामैया के फर्स्ट टेन्योर में स्टार्ट किए गए थे और काफ़ी अच्छे हुए थे। बीजेपी पावर में आने के बाद ये बंद हो चुके थे, लेकिन अब इंदिरा कैंटीन के जो वर्कर्स, स्टूडेंट्स, वुमेन वर्कर्स, डेली वेज वर्कर्स जो ट्रैवल करते हैं रूरल प्लेसेस से सिटीज़ को, उन लोगों के लिए सिर्फ 5 रुपये में नाश्ता और 10 रुपये में पर प्लेट डिनर हो रहा था। तो ये जो WPI मेंबर इस पर काफ़ी जोर डाल रही है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स शरे टॉवर्स एम एस के मिल रोड गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद बसेश्वर कॉलोनी अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री मुस्लिम चौक अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स यदुला कॉलोनी अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड ओल्ड जेवरगी रोड। और एक स्कैम की मैं आपको बात बताऊं, ये स्कैम नहीं बल्कि एक बेखौफी बोल सकता हूं मैं, जो जिन्होंने ये काम किया है। जी हां, आपको बता देता हूं कि एक मैसेज आता है आपको व्हाट्सएप पे होम पर, यानी वर्क फ्रॉम होम, आपको ऐसे मैसेज आते होंगे, प्लीज़ इन चक्करों में ना पड़ें। वर्क फ्रॉम होम का एक मैसेज आता है एक शख्स को, उसके बाद वो शख्स जो है गूगल मैप पे जाकर होटल्स को रेटिंग देने का रहता है। काम दिखने में काफ़ी जेन्युइन लग रहा है, बैठ के वो होटल्स को रेट कर रहा है, गोल्डन बर्ड, पैराडाइज लॉज, वो एक एक करके उन्हें रेटिंग डाल रहा है, उसे पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, एक अच्छा सिस्टम बनाया गया। उसके बाद उसे बोलते हैं कि 5,000 रुपये डालिए आपको और अच्छा काम मिल सकता है, वो 5,000 रुपये डालता है। उसके बाद उसको बोलते हैं कि आप और 5,00,000 रुपये डालो और आपको जो है ज़बरदस्त काम दिया जा सकता है। ऐसे में आदमी हिरस में आ रहा है, 5,00,000 रुपये में जब अपना काम के पैसे निकालना चाह रहा है वापस, तो उसको ये बोल रहे हैं कि टैक्स के तौर पे तुझे और 5,00,000 रुपये देना होगा, तभी तो ये 5,00,000 रुपये निकाल सकता है। तो अरे मेरे बेवकूफ़ भाई, 5,00,000 रुपये डाल के 5,00,000 रुपये निकालने वाली ये कौन सी स्कीम है, समझना चाहिए। ऐसे करते करते ऐसे चंद इंसान जो है पता नहीं क्यों ऐसी बेवकूफ़ हरकत करते हैं कि 20,00,000 रुपये तक डाल चुके हैं इस शख्स, ये आदमी ने 20,00,000 रुपये डाल दिए हैं। भाई 20,00,000 रुपये बताओ क्या बड़ी वैल्यू है, बताइए 20,00,000 रुपये डाल दे रहे हैं, फिर पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं फ्रॉड क्राइम का, इसका उसका, मतलब क्या मतलब है बोलिए। बड़ा अफसोस होता है इस तरह का जो है फंड्स जो है ऐसे में जो है 1,00,000 रुपये 20 गरीब लोगों को जाते हैं, तो कुछ ना कुछ वो करके खा तो सकते थे। अपने काम की हिरस में गलत तरीके से जो है ना, शॉर्टकट में पैसे कभी नहीं आते। कोई आपको बोल रहा है कि बेस्ट प्रॉफिट देता हूँ, डबल प्रॉफिट देता हूँ कम से कम टाइम में, तो कभी आप भरोसा ना करें और ऐसे चक्कर में ना पड़ें।
Thought for the day is presented by Desi Gold Pure Chakki Atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day है. Sometimes the bravest and most important thing you can do is just show up. यानी कि सबसे bravest कवाज़ काम ऐसा होता है. सबसे important काम क्या होता है? हाजिर होना. यानी मुँह छुपाना नहीं, भागना नहीं, फ़ोन उठाना नहीं, इस तरह से चीज़ अवॉइड करने के बदला अपने आप को सामने लाना है, ठहरना है, फेस करना है. भले आप किसी के पैसे देना हो, भले किसी से आपकी नाराज़गी हो, भले आपने किसी का दिल तोड़ा हो, अगर आपको उसके सामने आना ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट काम है तो आ जाइए, फेस करिए, क्योंकि आधा काम वहीं रिजॉल्व हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स वहीं ख़त्म हो जाती है. Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Darga Road, Gulbeka. Al Misbah Tours and Travels, Mohram Umrah Packages, booking start ho chuki hai, 15 din ki Umrah 90,000 rupees mein, 20 din ka Umrah 1,02,000 aur 28 din ka Umrah 130,000 rupees, zaroor contact karega Abdul Jaid saab ko screen pe number. Infertility treatment mein bhi kaam aata hai, type 2 diabetes mein bhi. Al Misbah Tours and Travels, Mohram Umrah Packages, booking start ho chuki hai. Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Mukhtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government ETI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसे सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में. सबसे पहले कमेंट आया है सोहेल चौधरी का. ताहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, ईद मुबारक, अल्लाह आपको और तरक्की अता करे. आमीन, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच. मोहम्मद अब्दुल करीम ने फेलर इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेस लिखा है. सालिया तबूसब ने सलाम लिखा है. मोहम्मद वसीम ने सलाम लिखा है. मोहम्मद अब्दुल करीम लिख रहे हैं, इस्लाम ताहिर भाई, जो स्टूडेंट्स पूरे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी रिलेटेड, क्या आप उनकी आवाज़ ऊपर उठाने में हेल्प कर सकते हो? बिल्कुल बोलिए. वालेकुम सलाम अब्दुल करीम भाई. कंचन जुगा के लोग ईद सेलिब्रेशन छोड़कर ट्रेन हादसे के लोग की हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया. लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन. आफरीन बेगम लिख रही है, वंस जवाहरलाल नेहरू सेड यूनिटी इन डायवर्सिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, बट एक्चुअली इट्स अ वीकनेस ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज पॉलिटिशियन इंस्टेड ऑफ यूजिंग डायवर्सिटी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, दे आर यूजिंग इट फॉर ब्रेकिंग द इंटीग्रिटी. बिल्कुल सही कहा आपने आफरीन जी, ये बात समझने के लिए है कि यूनिटी इन डायवर्सिटी को ही डिवाइड कर रूल कर रहे हैं. अल्लाह ताला आधार में आपको सेहत दे. लिख रहे हैं अब्दुल वहीद आमीन, थैंक यू. मोहम्मद बेगम लिख रहे हैं, वेरी गुड जॉब, वेरी हार्ड वर्क, आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है सर, हम समझ सकते हैं, इग्नोर कीजिए आप ऐसे मैसेजेस को. लिख रहे हैं ताहिर भाई, खैरियत खान रहीमुद्दीन. बुरहान ने सलाम लिखा है. समी बाग ताहिर भाई, हाजियों के रिलेटेड बहुत ही अफसोसनाक बात लिख रहे हैं. गोहाश है तो गुलबर्गा न्यूज़ मिल रही है, वेल्डन लिखे हैं नेहा तरन्नुम. ताहिर भाई कमेंट्स पढ़ते हैं तो खुशी होती है कमेंट्स पढ़ने पर भी. लिख रहे हैं थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. मोहम्मद जावेद लिख रहे हैं, इश्तियार भी मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई. लिख रहे हैं इश्तियार भाई बोल के, जो उनके बारे में लिखे जो कल मैसेज किए हैं. ताहिर भाई आपकी न्यूज़ डेली हमारे घर में देखते हैं और 4 साल से तो हम डेली न्यूज़ देख रहे हैं, आप लोग को कितना पसंद करते हैं. एक दिन अगर एक बात कोई गलत निकली, कल कमेंट आता है, जैसे परसों आपने कहा हो अप्पू गौड़ा को कांग्रेस को लीडर कहीं पर कमेंट आया था. बिल्कुल मोहम्मद मंसूर साहब, बिल्कुल बात सही है. 4-4 साल से मेहनत होती है तो कोई उसका बेनिफिट नहीं बोलता, एक सेकेंड गलती हो जाती है तो लोग जो है पॉइंट आउट करते हैं. चितापुर में गवर्नमेंट में 2 टीचर्स की ज़रूरत है, 2 साल हुआ ये बात आपको, प्लीज़ ऐसे बात करो प्लीज़. लिख रहे हैं तो मुझे कॉल करके बताइए एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है. तो गोयाज नंबर 1 न्यूज़ है कि एबी बिल ज़्यादा आ रहा है जेल से, बेगुनाह कैदियों को रिहा करना ज़रूरी है. आरसीएम क्वालिटी प्रोडक्ट्स ने लिखा है. सैयद मोहन पटेल लिखा है गुड न्यूज़. हाजी शेख ने गुलबर्गा बेस्ट न्यूज़ लिखा है. ताहिर भाई सऊदी गवर्नमेंट अयाशी में डूबी करी है, दिन की तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा है. बिल्कुल मोहम्मद शाहिद भाई आपकी बात से मैं एग्री हूँ, इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतने सारे पैसे आ रहे हैं, टीम को बढ़ाना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए, मैनेजमेंट में टोटली फेलियर हो चुका है इस बार. अमेरिका और इसराइल को की न्यूज़ जो आपने बताई है ये सब लोगों को फुलिश बनाने के लिए है, ये दोनों मुल्क मेड फॉर ईच अदर हैं. लिख रहे हैं हबीब भाई. वसीम बेगम ने ताहिर भाई जुम्मा मुबारक लिखा है. बरगाल के 2 इंस्टॉलमेंट कब आएंगे अकाउंट में बोलिए, वो लिख रहे हैं. मुझे उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, जब भी कुछ आती है तो मैं बोलूँगा. ताहिर भाई आपकी न्यूज़ में जो भी गलत हो रहा है उनका कमेंट बॉक्स मत पढ़िए, आपका न्यूज़ बहुत अच्छा लगता है, जो आप भी आपकी आवाज़ में जो सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू मैम. ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को, सबको लेके चलना चाहिए. पॉजिटिव नेगेटिव मैं पढ़ता हूँ, नेगेटिव कमेंट्स भी पढ़ता हूँ. बात ये होता है कि अपन बहुत एफर्ट डालने के बाद भी लोगों की नेगेटिविटी सुनने मिलती है तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता. ऑब्वियस बात है, इंसान है, थोड़ी बहुत तकलीफ होती है. जल्दी खान के तार भाई, ये नल का कुछ सोल्यूशन हो सकता है क्या? इनकी वजह से बहुत लोग परेशान हैं. जुम्मा है, पानी नहाने कितने सालों से प्रॉब्लम चल रहा है. लिख रहे हैं उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं.
इस पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई, कॉरपोरेशन में मीटिंग हुई। मेरे जो काफ़ी सारे अंदर के सोर्सेस हैं, आज जो मीटिंग हुई कॉरपोरेशन में, UGT के काफ़ी सारे इश्यूज़ निकले हैं और किस तरह से आगे काम करना है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है कॉरपोरेशन में सभी कॉरपोरेटर्स की, मेयर की, तो बहुत जल्द जो है इंपॉर्टेंट काम होंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड बाय अब्दुल करीम उछाले एंड सन्स क्लोथ मर्चेंट्स, पावर्ड बाय बिग न्यूरो साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड डी एडिक्शन सेंटर अपोजिट गवर्नमेंट TTI दरगाह रोड STBT एंड बाय मटकी हेल्थ सेंटर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रजाक मटकी एमरजेंसी एंड जनरल फिजिशियन गुलशन अरफात कॉलोनी नियर सुल्तान फंक्शन हॉल हागरगा रोड गुलबर्गा।